हमारे अजदाद दीनदार अशख़ास थे और उनके नाम सब पुश्तों में रहते हैं। पहली तलावत यशु बिन सिराक की किताब 44वां बाब पहली आयत 9वीं से 13वीं आयत तक। आओ हम पुश्त पुश्त के मुताबिक उन दीनदार अशख़ास यानी अपने अजदाद की तारीफ करें, उन्होंने नाम पीछे छोड़ा कि लोग उनकी तारीफ करते रहें और इनमें से बाज़ बेयादगार रहे और यूं हलाक हो गए गोया कभी थे ही नहीं और यूं हो गए गोया कभी पैदा ना हुए और यूं ही इनके बाद उनकी औलाद भी। लेकिन ये दीनदार आदमी थे और इनकी नेकी बातल ना होगी, इनकी नेक बख्ती इनकी नस्ल के साथ भी रहेगी और इनकी औलाद वादों की मेरास होगी। इनकी नस्ल और बाद अज़ां उनकी औलाद भी इन्हीं की खातिर अहकाम पर कायम रहेगी। इनकी नस्ल अबद तक हमेशा रहेगी और इनकी इज्जत ना मिटेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जबूर जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, मुकद्दसों की जमायत में उसकी हम्द गूंज उठे। इसराइल अपने खालिक से शादमान हो, फरजंदाने सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है। ये रक्स के साथ उसकी हम्द करें, खंजरियों और बरबत के साथ उसकी मदासराई करें, क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है और गरीबों को फतह मंदी से आरास्ता करता है। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है। मुकद्दसीन जलाल में खुश हों, वो अपने पलगों पर खुशी से ललकारें, खुदा की सताइश उनके होंठों पर हो, उसके तमाम मुकद्दसीन का ये फख्र है। जमायती जवाब। खुदावंद अपनी उम्मत को अजीज जानता है।